क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सचान, मैं 108 102 एलएस एम्बुलेंस कर्मचारी सिंह लखनऊ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग किस बात को लेकर यहाँ खड़े हैं और एम्बुलेंस का जो काम है वो ठप कर दिया है? वर्तमान में जिस प्रकार से एक वैश्विक कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही, अपने राजधानी लखनऊ में लगभग 600 से 700 की पर डे रोज का मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। हम एम्बुलेंस कर्मी रात दिन अपने सेवा में लगे हुए हैं, अपने घरों में 4-4, 6-6 महीना लगातार नहीं जा रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हुए लगातार सेवा दे रहे हैं। यदि हमारे एम्बुलेंसेस में तेल नहीं मिलेगा, गाड़ी में टायर नहीं होंगे, ऑक्सीजन का पैसा नहीं मिलेगा, तो कब तक ये गाड़ियाँ चलते रहेंगे? आज स्थिति ये हो गई, मैं लगातार शासन को, अपनी कंपनी जीविके एमआरआई को लगातार अवगत कराता रहा हूँ लेटर लिखित के माध्यम से, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज महोदय आपके सामने है एम्बुलेंस, इतनी 20 से 22 एम्बुलेंस ऐसे खड़ी जो एक भी फ्यूल नहीं है, तेल नहीं है। जब तेल नहीं होगा तो हम लोग गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं। अभी क्या कुछ मांगे हैं आपकी और कब तक ये आप लोग गाड़ियां जो है एम्बुलेंस है उनका काम ठप रहे? श्रीमान, ये हमारी कुछ मांग नहीं, हमारी एक ही मांग है कि गाड़ियों में तेल डलवाया जाए, हम लोग लगातार केस के लिए रेडी हों, उस कोरोना मरीज को ढोने के लिए रेडी हो जाएं। जब गाड़ियों में तेल नहीं होगा तो हम लोग कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसके माध्यम से आप लोगों को तेल मिलता है और कितना तेल पर डे मिलता है और मिलना चाहिए? ये हमारी जीविके एमआरआई कंपनी है जो लगातार हम लोग उनको बताते रहे हैं। उनके हम लोगों के फ्यूल एक कार्ड बना होता है, उसमें 1200 से लेकर 2000 रुपये का एक लिमिट होता है, लेकिन समस्या ये है कि उस कार्ड में कहीं 2400 रुपये आ रहे हैं, कहीं 400 रुपये आ रहे हैं, कहीं 200 रुपये आ रहे हैं। उस 200 रुपये का अगर तेल का हम पैसा डलाते हैं तो एक केस या दो केस हो पाते हैं। अधिकारियों द्वारा कहा जाता है तो अधिकारी हमको ये कहते हैं आप लोग झूठ बोल रहे हो, नोजल पर्ची के साथ सामने तेल डलवाते हैं फिर भी कह रहे हैं झूठ बोलते हो, ज़्यादा बात करो तो गालियाँ दे के बात की जाती है हम लोगों से। इससे पहले भी आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया था जिसमें टाइम से सैलरी नहीं आ रही थी? हाँ सर, पहले हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन सैलरी संबंधित बात की थी, लेकिन सैलरी समस्या कुछ सॉल्व हुई है। अभी एक प्रदेश स्तरीय हम लोगों की प्रशासन को एक कमेटी गठित की गई है, 15 दिन का समय दिया गया था, जिसमें माननीय डीएम साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, एनएचएम मैडम और हमारी यूनियन के पदाधिकारी माननीय हनुमान पांडे जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी। 15 दिन के अंदर एक कमेटी गठित हुई थी, कमेटी गठित हो गई, सैलरी समस्या लगभग कई हद तक 70% सॉल्व हो गई है। अभी भी है कुछ समस्याएं हो रही हैं, वो अवगत करा रहे हैं, लेकिन इस समय सैलरी को ना देखते हुए हम लोग गाड़ियों में तेल चाहते हैं, गाड़ियों में तेल होगा तो हम लोग गाड़ियाँ चला पाएंगे।